राजनीतिक मेहमानों का मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई इस बार बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है? क्या इंडिया गठबंधन, तमाम क्षेत्रीय दल जब एक साथ आ गए हैं तो इसीलिए अपनी रणनीति में बीजेपी इस बार बदलाव करती नजर आ रही है? जो अब तक कमंडल की राजनीति करती हुई नजर आ रही थी, मंडल बनाम कमंडल बनाती हुई नजर आ रही थी, आज वो कमंडल के बाद अब मंडल की ओर जाती नजर आ रही है? मैं मंडल और कमंडल आपकी सुविधा के अनुसार आप इसके आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। मुझे तो जब भी मैं मंडल का नाम सुनता हूं तो मुझे जोगेंद्रनाथ मंडल याद आ जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा मेरे साथी को, पैनलिस्टों को, कि जोगेंद्रनाथ मंडल कैसे पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे और कैसे इसी जाति के आधार पर राजनीति करते हुए और कैसे उनके साथ अपमान हुआ पाकिस्तान से, क्या उनकी गति हुई थी। एक बार जरा जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास न केवल कहती है बल्कि करके दिखाती है। जाति एक सच्चाई है, हम जाति से मुंह नहीं मोड़ सकते और जाति का स्वाभिमान होना भी कोई बुरी बात नहीं है। जातीय संकीर्णता और जातीय विद्वेष ये बुरा है और हमने उत्तर प्रदेश में इसको कमोबेश न्यूट्रलाइज करने का, समाप्त करने का एक प्रयास किया। जाति का स्वाभिमान होना चाहिए, जातियों के अपने समाज है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जातीय आधार पर किसी को आप प्रश्रय दे या जातीय आधार पर किसी को आप प्रताड़ित पीड़ित करें, ये पद्धति, ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए और ये हमने करके दिखाई। उत्तर प्रदेश हमने देखा है कि कैसे मायावती जी का उत्तर प्रदेश में जब शासन होता था तो कैसे केवल एक जाति विशेष के लोग थानों में पोस्टिंग पाते थे, कैसे एक जाति विशेष के लोगों के ही प्रभुत्व होता था, कैसे SC ST के मुकदमे बड़ी संख्या में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने, कैसे अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए सारे थानों में एक जाति विशेष की, सारी भर्तियों में जाति विशेष का प्रभुत्व हो जाता था और अन्य जातियों के प्रति अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेकर के जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए हम कह रहे हैं हिंदुओं को विभाजित करने का जो ये षड्यंत्र है ना, ये बार बार प्रयास किया जाता है मंडल और कमंडल जैसे शब्दावली गढ़ करके। हम कहते हैं जब कल्याण सिंह जी का नाम लेते हैं तो कल्याण सिंह जी का नाम में केवल जाति के आधार पर उनका आकलन करना, ये उनके व्यक्तित्व को छोटा करना है। हम जिन्हें बहुत आदरण के साथ बाबूजी कहा करते थे ना, वो अभिभावक के तौर पर सभी जातियों को साथ लेकर के चले, केवल जाति के नेता नहीं रहे। और इसलिए कल्याण सिंह जी जब मंच पर खड़े होते थे तो मुझे याद है बड़े जोर शोर से लोग नारा लगाते थे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। प्रभु राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपनी सत्ता को त्याग दिया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसके लिए सत्ता छोड़ सकते, ऐसे व्यक्ति को किसी जाति तक बांध देना मैं मानता हूं ये ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस प्रकार की अपनी चुनावी रणनीति में हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का संयोजन किया है, हर जाति समाज आयु वर्ग के लोगों को अपने साथ इकट्ठे करते हैं। राजीव जी कह रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं जाट बिरादरी के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं कह रहा हूं केवल यंगस्टर्स नहीं, आज सभी जाति के, सभी आयु वर्ग के, घर की महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 100% आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। और ये महिलाएं केवल किसी जात बिरादरी की नहीं, मजहब की, आज अल्पसंख्यक तबके की महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके स्वाभिमान, उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मिता, उनकी आबरू के लिए, उनके घर में बने शौचालय के लिए, घर में पहुंचे उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के लिए, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दे के आधार पर हमने जाति के तंत्र को तोड़ दिया है, विकास की योजनाओं से हमने जोड़ दिया है और एक लाभार्थी नया वर्ग खड़ा कर दिया है जिसकी काट खोजे नहीं मिल रही है और तमाम तरह के शब्दावली गढ़ते हैं, कभी पीडीए गढ़ते हैं। राजीव का रुख कर रही हूं, राजीव शायद जवाब देना चाह रहे हैं क्योंकि राकेश ने जिस तरह से सवाल उठाया। राजीव, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन मैं इनसे एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं कि ये समाजवादी गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी ने जो गठबंधन किया और दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल करके अभी अपना कैंडिडेट बनाया, ये दोनों नेताओं की विचारधारा, इन्होंने चुनाव के समय जो बोला था, ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी को इन दो नेताओं की ज़रूरत क्या पड़ी? ये कौन से सिद्धांत, जाति, धर्म, आयु, वर्ग जो जो आप बोले जा रहे हैं वो किस चीज़ पर ये फिट बैठते हैं? ये गठबंधन और इन्हें पार्टी में लेने के कारण जरा बताएं। देखिए राजीव जी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, इनका अपना सामाजिक प्रभाव है, इनका एक क्षेत्रीय प्रभाव है और ऐसे जो भी सामाजिक प्रभाव रखने वाले, क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले अलग अलग नेता हैं, ये सब भाजपा के साथ जुड़े। हम तो इस बात के लिए प्रयास करते हैं, हमने तो बार बार कहा है कि अगर राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी भी अपनी जिद छोड़ करके देश के निर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो हम स्वागत करेंगे उनका।
हमने अपने दरवाजे संकीर्णता के साथ किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे सबके लिए खुले हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश की देश की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथ आना चाहे वो साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने महसूस किया, दारा सिंह चौहान जी ने महसूस किया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। ठीक है।